बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम नाइन्थ क्लास फॉर लेसन नंबर 10 ऑफ जनरल मैथमेटिक्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। दिस इज चैप्टर नंबर 10 विच इज़ अबाउट बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एग्जाम्पल्स। आफ्टर कम्प्लीटिंग द एग्जाम्पल्स देन वी मूव टूवर्ड द एक्सरसाइजेस। सो एक्चुअली वी आर आर्टिकल 10.3। वट इज़ इट? इट इज़ एक्चुअली अबाउट मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वट इज सेंट्रल टेंडेंसी? मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर द समरी स्टेटिस्टिक्स विच मेयर द मिडल और द सेंटर ऑफ डेटा। अब आपके पास डेटा ग्रुप डेटा भी हो सकता है, अनग्रुप डेटा भी हो सकता है। ग्रुप डेटा का मतलब होता है कि ग्रुप डेटा में उस डेटा की एक स्पेसिफिक रेंज दी हो, मीन्स 20 से 29 तक इतने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसके दरमियान। मान फॉर एग्जांपल 20, वो कहते हैं कि आपके पास कोई डेटा जिसमें 20 से 29 तक 4 डिजिट्स हैं, लेकिन ये आपके पास ग्रुप डेटा हो गया। लेकिन अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा का मतलब है कि आपको उन्होंने रैंडम नंबर्स दे दिए, उन्होंने आपको कोई रेंज नहीं बताई कि इतने से इतने नंबर तक हैं, जस्ट उन्होंने आपको रैंडम नंबर कहीं से भी पकड़ के आपको दे दिए, डेट इज़ एक्चुअली अनग्रुप डेटा। सो जो हम लोगों ने यहाँ पर काम करना है, एक्चुअली दिस इज़ बेसिकली अबाउट मीन्स, मीडियन एंड व्हाट। बट आज के टॉपिक में हम सिर्फ मीन को कवर करेंगे। मीन इज़ एक्चुअली द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन द सेट ऑफ डेटा। व्हाट इज़ एवरेज? एवरेज का मतलब होता है कि हमें जो भी डेटा दिया हुआ है, वो डेटा हमारे पास जो भी नंबर्स हैं, वो नंबर किस स्पेसिफिक वैल्यू के राउंड अबाउट मूव कर रहे हैं। मीन्स अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 8.99, 9.01, 9.37, 9.52, इट्स मीन ये सारे के सारे नंबर 9 के राउंड अबाउट मूव कर रहे हैं, 9 के अकॉर्डिंग, 9 के अर्ड के वेरी कर रहे हैं नंबर सारे। तो एक्चुअली हम मीन का मतलब ही यही है कि हम अपने डेटा में जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, जितने भी हमें डेटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन सब वैल्यूज़ का की हम एवरेज कैलकुलेट कर लें। तो आज जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें तो हम अनग्रुप डेटा को देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप डेटा को भी डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डेटा का मीन एक्चुअली किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन देयर इज़ अनदर नेम ऑफ मीन, डेट इज़ अरिथमेटिक मीन। मीन को हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है। सो बाई डेफिनेशन अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डेटा इज ऑब्टेन बाई एडिंग ऑल द नंबर्स इन अ सेट टुगेदर एंड देन टोटल इज डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ स्कोर्स इन दैट सेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी आपके पास अनग्रुप डेटा है, उसमें मतलब 5 आपके पास नंबर है डिफरेंट, मीन्स 200, 300, 400, 500 एंड 600। तो आप इन सब नंबर्स को ऐड कर लेंगे, आप करेंगे 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 600। ये पांचों वैल्यूज़ को आपने ऐड किया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। डिवाइडेड बाय 5 क्यों किया? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ स्कोर्स 5 थे। इस तरीके से हम अपनी एवरेज भी कैलकुलेट करते हैं, इसी तरीके से हम अपना अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम सिंपल मीन भी कहते हैं। सो हेयर यू हैव अ फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा। ये जो फॉर्मूला आपको भी नज़र आएगा, दिस फॉर्मूला इज़ एक्चुअली अब द फॉर्मूला टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। तो और अनग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स। मीन्स सिम्बॉलिकली दिस कैन बी रिटन एज x bar विच इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ x। समेशन ऑफ x का मतलब होता है कि सारे के सारे स्कोर्स का सम कर लिया जाए। समेशन का मतलब ही सम होता है, मीन्स सारे के सारे स्कोर्स का सम कर लें। डिवाइडेड बाई n मीन्स नंबर ऑफ स्कोर्स, जितने भी स्कोर्स थे उन सबका सम करके नंबर ऑफ स्कोर्स पर डिवाइड कर लिया। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल ऑरली वर्बली बताई है यहाँ पर कि 5 स्कोर्स थे हमारे पास, उन सारे 5 स्कोर्स को 200, 300, 400, 500 और 600 को हमने ऐड किया और डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, बिकॉज 5 नंबर ऑफ स्कोर्स थे। वेयर दिस सिंबल इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ समेशन एंड इट इंडिकेट्स द सम। ये सिंबल को समेशन का सिंबल बोलते हैं, और इसका मतलब ये हम असल में इंडिकेट कर रहा होता है कि हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो मूविंग टूवर्ड द एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, द टोटल मंथली इनकम ऑफ 8 पर्सन्स आर। वो कह रहे हैं कि 8 लोगों की मंथली इनकम कितनी है? 3,000 रुपीज़, 4,000
rupees 3,500 rupees 4,500 rupees 3,800 rupees 4,200 and rupees 3,600 and 5,400 मीन्स उसने हमें 8% की मंथली इनकम दे दी है. तो उसने कहा हमें फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स. तो हमने बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन्स कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करना है? समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन. एन मीन्स नंबर ऑफ इनकम्स. नंबर ऑफ इनकम्स कितनी है हमारे पास? 8 है. तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे सारी इनकम्स को ऐड करके. पहले मैंने यहाँ पर इनकम्स को कुछ वेरिएबल्स के इक्वल सपोज करवाया है, बिकॉज आपने जो फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूला में आपके पास क्या था? अगर उस फॉर्मूला को दोबारा रिवाइज करते हैं, यस ये देखें, यहाँ पे था समेशन ऑफ एक्स. तो इट्स मीन कि यहाँ पे एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और उनका सम किया गया. तो जहाँ वहाँ उस क्वेश्चन एग्जांपल में हमें डिफरेंट इनकम्स दी हैं, तो हम हर इनकम को इस तरीके से सपोज कर लेंगे. एक्स वन इक्वल्स टू फर्स्ट इनकम, एक्स टू इक्वल्स टू सेकेंड इनकम, एक्स थ्री इज इक्वल्स टू थर्ड इनकम, एक्स फोर इज इक्वल्स टू फोर्थ इनकम एंड एक्स फाइव इज इक्वल्स टू फिफ्थ इनकम, एक्स सिक्स इज इक्वल्स टू सिक्स्थ इनकम, एक्स सेवन इज इक्वल्स टू सेवन्थ इनकम एंड एक्स एट इज इक्वल्स टू एट्थ इनकम विच इज 5,400 रुपीज़. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल्स टू एक्स बार विच इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स मीन्स एक्स की सारी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इन सब वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाई एन मीन्स कितने नंबर ऑफ इनकम है. 8 नंबर ऑफ इनकम्स हैं. सारे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स एक्स सेवन एक्स एट का सम करके हम लोगों ने 8 से डिवाइड कर देने से, बिकॉज 8% की इनकम गिवन है हमें. सो लेट्स स्टार्ट इट. हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स मीन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स सिक्स प्लस एक्स सेवन प्लस एक्स एट डिवाइडेड बाई 8. वैल्यूज पुट की ऐड करिएगा. ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 32,000 डिवाइडेड बाई 8. 32,000 को डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, फाइनली यू गेट योर आंसर विच इज़ इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल्स टू 4,000. एक्स बार मीन्स अरिथमेटिक मीन्स और सिंपल मीन डेट इज़ इक्वल्स टू 4,000. मीन्स अगर आप यहाँ पे फोकस भी करो, ये जितनी भी हमें यहाँ वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी 4,000 के राउंड अबाउट मूव करें. मीन्स 3,000, 4,000, 3,500, 4,500, 3,800, मतलब 4,000 के करीब करीब ही ये वैल्यूज़ एक आगे पीछे वेरी कर रही हैं. तो इसका जो अरिथमेटिक मीन आया है, मीन्स सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस डेटा इज़ एक्चुअली 4,000. सो योर होमवर्क इज यू शुड सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम. आपकी बुक में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, बट ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में आते भी हैं. तो आपको मैंने यहाँ पे खुद से प्रॉब्लम दी है, तो आप इस प्रॉब्लम को देखें क्या प्रॉब्लम है, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है. द टोटल मंथली इनकम ऑफ 5% आर 8,000, 3,600 एंड 5,400. फाइंड देयर अरिथमेटिक मीन. आपने इनका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.